नमस्कार दोस्तों, पिछले कई वीडियो में हमने समझा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से काम करता है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम कैसे रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं वो समझा। काफी सारे व्यूअर का एक कॉमन क्वेश्चन मुझे पूछा गया कि ये सबकॉन्शियस माइंड के पावर का यूज करके हम हेल्थी कैसे रह सकते हैं, हम आजीवन तंदुरुस्त कैसे रहें। दोस्तों, आज की ये वीडियो में मैं आपके साथ वो सब क्वेश्चन के आंसर और वो नॉलेज शेयर करने वाला हूँ जिससे हम आजीवन हेल्थी जीवन जी सके। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि किसी भी बीमारी की मूल वजह क्या है और ये बीमारी के उपचार के पावर कहाँ रहती है जिसका यूज करके हम खुद को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, ये सब पावर हमारे खुद के ही अंदर है और ये पावर का नाम है सबकॉन्शियस माइंड पावर। जी हाँ दोस्तों, अगर हम जो चाहे उसे ये पावर का यूज करके पा सकते हैं तो अच्छे स्वास्थ्य को भी ये पावर से पा सकते हैं। दोस्तों, आज के आधुनिक युग में सब लोग मनोविज्ञान पे विश्वास करने लगे हैं, सब लोग सबकॉन्शियस माइंड के पावर को समझने लगे हैं और वो लोग अपने उपचार के लिए बाहर जाने की बजाय अपने भीतर ये उपचार की खोज करने लगे हैं। ये एक अच्छी बात है कि हम हमारे खुद के प्रति अवेयरनेस दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जब हम रोग उपचार के लिए किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड के पावर का यूज करना चाहते हैं, तब हमें सबकॉन्शियस माइंड हमारे शरीर को किस तरह से कंट्रोल करता है और किस तरह से हमारे शरीर की कार्य काम करती है वो जानना बेहद जरूरी है। अगर हम ये जान ले तब हम ये पावर से किसी भी बीमारी या रोग को जड़ मूल में से दूर कर सकते हैं, चाहे वो सामान्य बुखार हो या जानलेवा कैंसर। आप सभी बीमारी को दूर करने में काबिल बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो को अंत तक देखते रहिए, मैं वो सब नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आप खुद की हेल्थ तंदुरुस्त रख सके। और हाँ, आपके द्वारा पूछे गए माइंड पावर के क्वेश्चंस के आंसर भी दूंगा। तो चलिए, ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। हाउ सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल अवर इम्यून सिस्टम। कहा जाता है कि 99% बीमारी जो हमें होती है वो मानसिक नेगेटिव थॉट्स की वजह से ही होती है। अगर हम हमारे थॉट्स को कंट्रोल करने में कुशलता हासिल कर ले तब हम किसी भी बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। डॉक्टर्स, साइकाट्रिस्ट और मनोवैज्ञानिक पेशेंट के शरीर और मन में रहती अड़चनों को दूर करने का काम करते हैं। जैसे ही वो अड़चन दूर होती है और आपको ठीक आपके शरीर की इम्यून सिस्टम करती है। हमने पहले भी माइंड पावर की वीडियो में जाना है कि हमारा पूरा शरीर हमारे माइंड से कनेक्टेड है, इसीलिए आप जो भी सोचते हो वो थॉट्स आपके पूरे शरीर को प्रभावित करता है। इसीलिए अगर आपके थॉट्स हेल्थ के बारे में पॉजिटिव रहते हैं तो आप अच्छी हेल्थ पा सकते हो, पर अगर आपका थॉट्स हेल्थ के बारे में नेगेटिव है तो वो नेगेटिव थॉट्स आपके पूरे शरीर को प्रभावित करेगा और आपको नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सब पता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड त्रिकाल ज्ञानी है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास सब रोग के उपचार की पावर है। पर दोस्तों, याद रखें कि सबकॉन्शियस माइंड के पावर को सही दिशा देने का काम हमारे थॉट्स करते हैं, इसीलिए अच्छा सोचो। पावरफुल बिलीफ सिस्टम। एक मनोवैज्ञानिक को एक अनोखा किस्सा सुनने को मिला। वो मनोवैज्ञानिक ने बताया कि मेरे एक महिला पेशेंट जिसके शरीर में कुछ अंग में कैंसर था, वो पेशेंट के कैंसर के डॉक्टर ने इनको वो कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में बताया और कहा कि आपके ठीक होने की संभावना बहुत कम है। तब वो पेशेंट ने वो कैंसर के ट्रीटमेंट के साथ साथ एक दूसरा रास्ता भी अपनाया और वो था सबकॉन्शियस माइंड के पावर का यूज करना। वो हर दिन रात को सोने से पूर्व अपने मन को शांत रखकर ये पॉजिटिव थॉट्स को बोलती थी कि मेरे शरीर के हर एक कोष, मेरे शरीर के स्नायु और मेरे शरीर के हर एक अंग अब पूर्ण रूप से शुद्ध, तंदुरुस्त और पूर्ण हो रहे हैं। मेरा शरीर अब स्वस्थता प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। इस तरह से वो लगातार एक महीने तक करती रही। इसके बाद उन्होंने वापस डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाया, तब वो कैंसर का रोग पूर्ण तरह से मिट गया था और टेस्ट के रिपोर्ट में पता चला कि अब कैंसर के कोई भी कोष शरीर में मौजूद नहीं है और अब वो पूर्णतः स्वस्थ है। ये जान के वो डॉक्टर्स आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने वो पेशेंट से कहा कि आपने ऐसा क्या किया जिससे आपने असाध्य कैंसर जैसे रोग से भी आसानी से छुटकारा पा लिया। तब वो पेशेंट ने वो सब बातें डॉक्टर्स को बताई जो वो सोने से ठीक पहले करती थी पॉजिटिव एफर्मेशन के जरिए। दोस्तों, ये स्टोरी का तात्पर्य ये है कि जब भी हम सोते हैं उससे ठीक पहले पॉजिटिव एफर्मेशन अपने हेल्थ के लिए आप करते हो, तब वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आसानी से चले जाते हैं। इसकी वजह ये है कि जब हम सो जाते हैं तब हमारा कॉन्शियस माइंड तो सो जाता है पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर्स काम करता रहता है। इसीलिए आपके वो पॉजिटिव थॉट्स पूरी रात आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट होकर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए जो उपचार क्रिया शरीर में करनी है वो करना शुरू कर देता है। दोस्तों, एक बात और कि जब आप सोने से पूर्व ये सकारात्मक थॉट्स बोलते हो तब उसमें कभी भी आपके रोग का उल्लेख नहीं करना है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तब आपका फोकस वो रोग की ओर आ जाएगा और वही आप अट्रैक्ट करोगे। आप जितनी बार आप वो दर्द और रोग के बारे में चर्चा करोगे, इसके बारे में लोगों के साथ बात करोगे, इतनी बार आप वो रोग को अपने ऊपर पावरफुल बनने की शक्ति दे रहे हो। इसीलिए अपने शरीर के लिए सकारात्मक शब्दों का ही प्रयोग करें और वो बीमारी और रोग के बारे में कोई भी बात ना करें, ना उसके बारे में सोचें। एग्जांपल,
मैं तंदुरुस्त हो रहा हूँ, मेरे शरीर में एनर्जी आ रही है, मैं अनंत शक्ति का अनुभव कर रहा हूँ, मेरे शरीर के सभी अंग तंदुरुस्त और स्वस्थ हो रहे हैं। इस तरह के थॉट्स बोलिए, अपने मन को पॉजिटिव थॉट्स से भर दीजिए। डॉक्टर्स मेडिसिन वर्सेस सबकॉन्शियस माइंड पावर। आपके मन में ये क्वेश्चंस जरूर आया ही होगा कि अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है तो फिर हमें डॉक्टर्स मेडिसिन ट्रीटमेंट्स की क्या आवश्यकता है, हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड पावर का यूज करके ही ठीक हो जाएंगे। पर दोस्तों ऐसा नहीं है, आप मैं और कोई भी लोग मेडिसिन और डॉक्टर्स के सारवार को इग्नोर नहीं कर सकते, हमें वो सारवार लेनी ही चाहिए। हमारा माइंड इतना पावरफुल है फिर भी हमें क्यों डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट्स और मेडिसिन को लेना चाहिए, तो चलिए समझते हैं इसके पीछे का साइंस। दोस्तों डॉक्टर्स और मेडिसिन का कभी भी विरोध ना करें, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तब हमारे मन में वो डॉक्टर्स और मेडिसिन के लिए नफरत पैदा हो जाती है और हम प्रेम और खुशी के उपचार प्रवाह को रोक देते हैं और वो सकारात्मक ऊर्जा ना मिलने से हम जल्दी ठीक नहीं हो पाते हैं। दोस्तों सही डॉक्टर्स की देखभाल और आपके अवचेतन मन की शक्ति दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तब हम जल्दी ठीक होने लगते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको दांत में पेन हो रहा है और आप सोचते हो कि मैं अपने मन की शक्ति का यूज करके अपने दांत के पेन को ठीक कर लूंगा और आप ऐसा करते हैं पर आपका पेन दूर होता ही नहीं है और आप फिर सोचते हैं कि ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर काम नहीं करती है। दोस्तों सोचिए ये पावर कैसे काम करेगी, अगर आपका दांत ही सड़ गया है उसे अब निकालने से ही आपका पेन जाएगा, तब आप ही सोचिए आप जितनी भी प्रेयर और बिलीफ रखकर ठीक करने की कोशिश करोगे पर बिना डॉक्टर्स की मदद के वो दांत को जब तक नहीं निकालोगे तब तक आपका पेन नहीं जाएगा। दोस्तों ईश्वर तो डॉक्टर्स के भीतर ही वास करता है, हर एक व्यक्ति ही ईश्वर का मंदिर होता है, इसीलिए हमें डॉक्टर्स का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों जब भी आप प्रेयर और अवचेतन मन की शक्ति का यूज करके आप ठीक नहीं हो पाते हैं तब आप डॉक्टर से मिले और अपनी मुश्किल के बारे में जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बताए, अगर आपको वहाँ ईश्वर की उपस्थिति का बिलीफ है तब वो दर्द गायब हो जाएगा। डॉक्टर्स के सारवार और अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग साथ साथ करेंगे तब आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों याद रखिए कि अगर आप प्रेयर और अवचेतन मन की शक्ति का यूज करके नया दांत नहीं उंगा सकते या किसी टूटी हुई हड्डी को ठीक नहीं कर सकते तब बेहतर यही होगा कि आप किसी दांत के डॉक्टर्स के पास जाएं और हड्डी के लिए किसी सर्जन से मिले। दोस्तों ये कॉमन सेंस है और पूरे जीवन अपाहिज रहने से कहीं ज्यादा बेहतर है। हाउ टू यूज सबकॉन्शियस माइंड पावर फॉर हेल्दी लाइफ। दोस्तों ये पावर का यूज करना वेरी सिंपल है, अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव होंगे तब आपकी बिलीफ सिस्टम भी स्ट्रांग होगी और आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड भी ये लॉ ऑफ नेचर के साथ कनेक्ट रहेगा और आपका शरीर भी इसकी वजह से हेल्दी रहेगा। दो टेक्निक्स है जिसका यूज करके आप अपने शरीर को हेल्दी रख सकते हैं। फर्स्ट एफर्मेशन। एफर्मेशन एक बहुत पावरफुल साइंस है, अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं जिसकी लिंक अभी ऊपर शो कर रही है। शॉर्ट में एफर्मेशन के बारे में बताऊं तो अपने लिए पॉजिटिव सेंटेंस का यूज करें और वो सेंटेंस को बार बार कहें, इससे आपके शरीर की हीलिंग पावर स्ट्रांग होती जाएगी। अभी ही मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूं जिसको अभी ही करें, एक सेंटेंस मैं बताता हूं उसे अभी ही फील करें और अपने आप से कहें कि मैं तंदुरुस्त हो रहा हूं, मैं तंदुरुस्त हो रहा हूँ, मैं तंदुरुस्त हो रहा हूँ। दोस्तों आपने पॉजिटिव वाइब्रेशन शायद फील किया होगा, सोचिए कि एक सेंटेंस को जब आप पूरे अटेंशन के साथ करते हैं और तुरंत आपको रिजल्ट मिलता है, तो अगर आप इसका यूज हर दिन करेंगे तब आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जब आप बार बार ये पॉजिटिव एफर्मेशन करते हो तब आपका सबकॉन्शियस माइंड इस थॉट्स को ध्यान से सुनता है और उसे ऑब्जर्व करता है और फिर सबकॉन्शियस माइंड इस थॉट्स के अनुरूप प्रोसेस करके आपके शरीर को हीलिंग करना शुरू कर देता है। अगर आप एफर्मेशन का अच्छी तरह से यूज करना चाहते हो तो आप मेरी पॉजिटिव एफर्मेशन की ऑडियो सीडी को आज ही डाउनलोड करके हर रोज यूज करना शुरू कर दीजिए। ये ऑडियो सीडी बिल्कुल फ्री है, तो आज ही डाउनलोड करके इसका यूज करना शुरू कर दीजिए। सेकेंड मेथड है विजुअलाइजेशन। ये टेक्निक्स को पूर्ण रूप से जानने के लिए आप मेरी क्रिएटिव विजुअलाइजेशन वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि विजुअलाइजेशन का कैसे इफेक्टिव वे से यूज करके आप पॉजिटिव रिजल्ट पा सकते हो। ये वीडियो में कई प्रैक्टिकल टिप्स भी दी है जो आपके विजुअलाइजेशन को और भी इफेक्टिव बना देगी। वीडियो की लिंक अभी ऊपर शो कर रही है, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो में बताए गए टेक्निक्स और बातों का आप ध्यान रखोगे तो आप जरूर आपकी हेल्थ को तंदुरुस्त रखने में कामयाब बनोगे। दोस्तों अब मैं आपसे लाइक मांगता हूं। अगर ये वीडियो की 2000
लाइक्स हो गई तो मैं एक और सबकॉन्शियस माइंड पावर पे वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके साथ और भी ऐसी कई बातें मनी हेल्थ और रिलेशनशिप के बारे में है जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सका हूं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। अपने फ्रेंड्स और परिवार के साथ भी ये वीडियो को जरूर शेयर करें। आपने सबकॉन्शियस माइंड पावर का यूज करके अपनी लाइफ में कोई भी सकारात्मक रिजल्ट आपको मिले हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आपकी स्टोरी औरों के लिए भी इंस्पिरेशन बनेगी। आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो। दोस्तों मैं आपके साथ और भी इस तरह की माइंड पावर की वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आप मेरी वीडियो को मिस करना नहीं चाहते हो तो मेरे चैनल डिजायर हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।